व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपका भाई भी मस्त है हमेशा की तरह। और लास्ट वीक मैं अपना कोई भी मोटो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि इधर मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश के चलते मैं कहीं निकल नहीं पाया। तो आज एक छोटा सा राइड करेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल हम लोग है सुखना आर्मी बेस कैंप की तरफ। तो यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे हम लोग फिर। तो यहाँ पे शायद फोटो शूट अलाउड नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही होगी। तो अभी हम लोग प्रॉपर सुखना आर्मी बेस की तरफ है। और आज मौसम एकदम सुहाना है, सुबह से धूप खिला हुआ है। लास्ट वीक इतना बारिश हो रहा था ना कि मैं कहीं निकल नहीं पाया, बहुत ही तेज बारिश। तो अभी दो दिन से इधर मौसम अच्छा होकर रखा है, धूप खिल रहा है बराबर। बुफोर स्टोव देखो भाई, बुफोर स्टोव। सामने का व्यू चेक करो गाइस, क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़। क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़, पूरा जंगल जंगल जंगल, ग्रीन चारों तरफ ग्रीनरी। और यहाँ का वेदर अभी तक तो ठीक है, सामने धूप खिला हुआ है। देखते आगे जाते फिर निकला हूँ। तो यहाँ से होते हुए हम लोग रोहिणी की तरफ जाएंगे फ्लिपकार्ट से। और अभी तक रोड का कंडीशन सही है। आप देखोगे ना तो स्कूटी में ज्यादा तक सभी के पास एंटोर्क है।
BS4 तो कम है लेकिन BS6 ज़्यादा है। वेलकम टू दार्जिलिंग। लास्ट टाइम हम लोग ने वहाँ पे टोल टैक्स पेड किया था लेकिन इस बार हम लोग ने किया नहीं, तो मांगा ही नहीं मांगा ही नहीं और हमने दिया ही नहीं। चलो गाइस अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स रोहिणी की तरफ और सामने का व्यू चेक कर रहा है क्या कुछ है। रोहिणी पे ही ब्रेक लेंगे, कॉफी पी के फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। ओ भाई नजारा चेक कर गाइस, लेकिन थोड़ा सा बादल बादल हो गया उधर फॉग। बनवा लेता हूँ इसके बाद जाएंगे फिर। क्योंकि वो है तो लेट हो जाएगा। मैं तो मौसम के लिए मैंने ऊपर गिद्धे पहाड़ एक तो बढ़िया पॉइंट है यहाँ से मौसम के लिए पूरा कॉफी कर देना कॉफी कर दूंगा। ये चक्कर गाइस यहाँ का नजर। तो अभी हम लोग प्रॉपर रोहिणी पे और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये रास्ता होते हुए आए थे हम लोग नीचे, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा फिर निकल जाऊँगा मैं। और तो सामने मंदिर भी है, कहाँ से जाता हो यार मंदिर, वो सामने मंदिर। चलो गाइस मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। चलो गाइस अब मैं कॉफ़ी आ चुका है और कॉफ़ी पी के फिर हम लोग निकल जाएंगे क्वेश्चन की तरफ और वहाँ से व्यू चेक कर गाइस। धीरे धीरे कोहरा से पूरा ढक जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा फिर। ये चेक कर गाइस अभी देखो कितना साफ था, आप देखो कुछ दिखाई नहीं देगा, कोहरा स्टार्ट हो गया नीचे से देखो और बादल से ना पूरा ढक गया अभी देखो कर सिटी। फिर अभी इधर ये साइड में तो पूरा क्लियर है, इधर देखोगे तो पूरा क्लियर। और धीरे धीरे तो चेक करो वो देखो वो चेक कर गाइस कर्सिंग सिटी पूरा कोहरा से ढक गया। हाँ धीरे 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 करके देखो क्या खूबसूरत है। चलो निकलते हैं यहाँ से तरफ, कर्सिंग की तरफ ही निकलेंगे और जिस तरह का व्यू यहाँ से चेक करो पूरा धीरे 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 जिससे कोहरा उठ गया और देखते देखते पूरा कर्सिंग सिटी कोहरा से ढक जाएगा बादल से। तो भी फिर भी दिख रहा
आकर सेंटर और अपना रेडियो स्टेशन देखो अभी भी दिख रहा है। अब धीरे धीरे वो बादल का घेरा धीरे 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 ढक जाएगा। कर्शन रेडियो स्टेशन सबसे पुराना। वो देखो भाई यहाँ से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से ये चक्कर है पूरा रेडियो स्टेशन कर्शन सबसे पुराना हेरिटेज साइट हो गया। वो भी अभी तो शायद फिलहाल वो ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, बंद होगा। देखो तो वो रहा एंट्री कर्शन गेट, उस तरफ ही जाएंगे। चलो तो कर्शन को तीन रोड जोड़ता है, एक मैं जिस रोड पे राइड कर रहा हूँ ये रोहिणी वाला रोड हो गया और मेरा राइट साइड में देखो एक और रोड है ना। तो ये देखो ये राइट साइड हो गया, इधर इधर से भी आप लोग आ सकते हो। वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल। चलो इधर ही है उनका रास्ता। तो अभी हम लोग है प्रॉपर कर्शन पे ही है, तो यहाँ से रास्ता चेक कर गए, टर्निंग चेक। टवा बोला जाता है इसको, चाय पत्ती वगैरह मापने के लिए। चलो गाइस इस जगह का एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग है बेलेटार और ये रहा रिजॉर्ट। तो ये चक्कर गाइस कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। और ये आप जितना भी देख रहे हो ये सब गेस्ट हाउस। तो मैंने भाई से पूछा तो अभी टोटली पैक है, ये टोटल पैक है। तो कुछ इस तरह का भी चेक कर रहे हैं। चलो आगे तक एक्सप्लोर करते हैं। और ये रहा यहाँ का रिजॉर्ट। चारों तरफ ग्रीनरी से ढका हुआ जगह है, चेक कर रहे ये देखो। तो अभी हम लोग है फिलहाल कर्शन बेलेटार बोला जाता है इस जगह का नाम। और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे, जैसे छोटा छोटा कॉटेज दिखने को मिलेगा आपको यहाँ पे चारों तरफ। और राइट में स्विमिंग पूल और छोटा छोटा कॉटेज है यहाँ पे, आप बुक कर सकते हो अगर आप लोग को यहाँ पे रहना है तो। लेकिन जैसे कि मैंने पूछा भाई को तो ये ज़्यादातर ना ऑलरेडी बुक रहता है, तो आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा अगर आप लोग इस रिजॉर्ट पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो। इस चक्कर गाइस यहाँ से कुछ इस तरह का भी और सामने टी गार्डन और यहाँ का भी कुछ इस तरह से स्विमिंग पूल। तो कुछ इस तरह का व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबको यहाँ पे वैकेशन एंजॉय कर रहा है, चेक कर बहुत ही खूबसूरत बना था।
वो बेलेटार एक्चुअली बेलटार इस जगह का नाम है प्रॉपर, मतलब ये टी गार्डन का जगह का नाम है बेलटार। तो वही जगह पे इसको कंस्ट्रक्शन किया गया है, बेलटार रिजॉर्ट। और कुछ इस तरह का व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, और हरा भरा चारों तरफ ग्रीनरी, देखो पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है। और बीच में ये जगह है जिसका नाम बेलटार रिजॉर्ट, आप लोग सर्च करोगे गूगल पे तो आप लोग को मिल जाएगा। और ये स्विमिंग पूल यहाँ पे, आप लोग स्विमिंग का भी आनंद ले सकते हो कुछ इस तरह का। हालांकि स्विमिंग के लिए आपको अलग से चार्ज पेड करना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ इस तरह का व्यू चेक कर रहा है यहाँ पे। तो ये करसेंग जैसे पार करोगे, करसेंग पार करके आपको मोटा मोटी 7 किलोमीटर की दूरी पर ये सिचुएटेड है। लेकिन इस पे आने के लिए आपको करसेंग दार्जिलिंग मेन रोड जब आओगे आप दार्जिलिंग की तरफ, तब ये लेफ्ट की तरफ छोटा सा एक रास्ता है, आप किसी से भी पूछ लेना, किसी का हेल्प लेके आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हो। और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे चेक कर रहा है, यह बेलटार रिजॉर्ट। और सामने का व्यू चेक करो गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह का व्यू यहाँ पे, और ये टी गार्डन। और ये रहा छोटा छोटा कटेज यहाँ पे, ये आप लोग को पहले ही बुक करना पड़ेगा यहाँ के। अगर बुक करना चाहोगे तो फिर इम्पॉसिबल टू आपको मिलेगा रूम। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके नाइट भी स्पेंड करना चाहते हो तो पहले ही बुक कर लेना। इस तरह का भी यहाँ पे चेक कर गाइस, ये है बेलटार रिजॉर्ट। चलो यहाँ से निकलते हैं नीचे की तरफ, ये स्विमिंग पूल। रात तो झन दामी भ्यू आउँछ होला, यो लाइट जल चल होइन। तो रात में अगर आप लगाओगे ना ये लाइट वगैरह जितना जलेगा ना उससे और खूबसूरत लगेगा। तो कुछ इस तरह का व्यू चेक कर गए यहाँ पे, स्विमिंग पूल। और ये छोटा छोटा कॉटेज यहाँ पे बना हुआ, और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल और ये रहा ये चेक कर रहे हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, देखो पब्लिक लोग कितना आ रहा है, बहुत क्राउड होने वाला है आज। ये रिजॉर्ट है यहाँ पे, फूड कोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो। ये रहा, तो ये रहा इसका एंट्री इधर से, और कुछ इस तरह का व्यू सामने चेक करो गाइस, ग्रीनरी चारों तरफ ग्रीनरी। और बीच में ये रिजॉर्ट बना हुआ है बेलटार। चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। देखो गाइस,
और ये देखो यार सामने सामने का भी चक्कर है, तो वो वाला रास्ता होते हुए हम लोग इधर आए और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। ये चक्कर गाइस बेलेटार टी स्टेट, तो हम लोग वहाँ से आए थे, वो फैक्ट्री है, फिर वहीं और सामने। अभी तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पे बादल स्टार्ट हो गया। देखो कितना खूबसूरत मज़ा, बीच में धूप खिला हुआ है, इस साइड बादल का घेरा धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। और ये हम लोग आए थे जो रास्ता, ये चक्कर गाइस और टी गार्डन, हमेशा की तरह खूबसूरत लगता है यार हिल रीजन, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो वो सामने देखो धूप खिला हुआ, धीरे धीरे कोहरा धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है ना, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो ये वाला रास्ता सीधा पकड़ेंगे, फिर ऊपर मेन हाईवे पहुंच जाएंगे हम लोग। ओहो ये रास्ता चेक कर गाइस, पूरा चढ़ाई है और यहाँ तो कोहरा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। कोई धुरा लग जाएंगे इस तरह, कितना कुछ चल रहा है ग्लास के ऊपर है पूरा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया गया और यहाँ से व्यू चेक कर गए इस तरह का, ये चेक कर कितना खूबसूरत बना है। और ये चक्कर इतना सुंदर बना रखा है, यहाँ से व्यू चेक करो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चक्कर इसके अंदर अंदर तो हम लोग नहीं जाएंगे, अभी यहाँ से निकलेंगे फटाफट घूम की तरफ। ठीक है सर भाई, वो फर्किंग एक छिन घूम पे रहा हूँ घूम सोन जान सुन यहाँ से आप लोग चाय ले सकते हैं, चाय पत्ती डार्क चॉकलेट तो ये गुड्रिक का कंस्ट्रक्शन है टोटल, ये चक्कर नीचे भी आप जा सकते हैं यहाँ से इधर, फिर इधर से ऊपर नो एंट्री, और ये आप देख सकते हो टोटल। और ये घूम जाने वाला रास्ता पड़ जाता है, ये जैसे करसंग से होते हुए जब दार्जिलिंग घूम की तरफ जाओगे तो ये लेफ्ट साइड पड़ जाता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से घूम की तरफ, थोड़ा सा आगे जाएंगे। और ये इसका पार्किंग, और यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा आपको, दिखा देता हूँ।
ये रहा, ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से बनाया गया है इसको। ये गुडरी की तरफ से मंदिर है यहाँ पे, शंकर शिव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रहा सुनादा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। गाइस सुना था मैं अपना फ्यूल अप हुआ, तो अभी टूर जाएंगे करसेंग, और मैं सामने थोड़ा सा अलग क्यों सामने का वीडियो भी करूँगा। देखो चक्कर गाइस क्या कर सकते, ये चक्कर गाइस गुम्बाज है, तो गाड़ी रखना पड़ेगा मेरे को जगह गुम्बा को देखने। पार्किंग का थोड़ा सा समस्या है, ये चक्कर है स्तूपा, और सामने ऊपर गुम्बाज, पहले स्तूपा देखेंगे हम लोग। चेक कर गाइस कितना बड़ा बड़ा स्तूप है। तो ये प्रॉपर सुनादा। तो गाइस ये चेक करो, यहाँ अभी स्तूप में अभी फिलहाल हूँ सुनादा पे, और यहाँ पे कुछ स्तूप बना हुआ एक लाइन से। और ये चक्कर खूबसूरत है, ये चक्कर इसका स्ट्रक्चर ये देखो कितना बड़ा स्तूप है, तो बहुत ही बड़ा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे। चक्कर गाइस, और ये देखो कितना बड़ा स्तूप है, और ऊपर गुम्बास भी जाएंगे हम लोग। तो ये रहा यहाँ का एंट्री, यहाँ से शुरू होता है। ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम। गुम्बा मोनेस्ट्री विजिट करो, और माने को घुमाना पड़ेगा। ओम पद्मे ओम, ओम ओम पद्मे ओम। ये चक्कर वैसे देखो इस कुछ इस तरह का भी यहाँ, ये प्रॉपर सुनादा पे पड़ जाता है। अगर आप लोग करसेंग होते हुए दार्जिलिंग की तरफ जाओगे तो सुनादा प्रॉपर एक जगह आता है, तो वहाँ पे ये मोनेस्ट्री है, और कुछ इस तरह का बैक साइड का इसका देखो। और ये देखो कितना बड़ा स्तूप है, ये चक्कर गाइस। चलो यहाँ से निकलते टूवर्स कर्सन की तरफ। ये चक्कर गाइस, और आज मौसम पूरा खुला हुआ है,
ये चेक करो गाइस, ईगल व्यू यार। एक्चुअली ईगल व्यू तो इधर है, लेकिन उधर से भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा आपको। ये चेक करो यहाँ से व्यू, और ईगल व्यू ऊपर एकदम सामने दिख रहा है, वो ईगल व्यू है। और ये रास्ता गायाबारी होते हुए सिलगुड़ी की तरफ जाता है, और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे चेक करो गाइस। और मौसम क्लियर था तो मैं यहाँ रुक गया 5 मिनट के लिए। तो ये चेक करो गाइस, आज मौसम साफ है। और ये वाला पत्थर देखो, वो सामने वाला पत्थर, और कुछ इस तरह का व्यू चेक करो गाइस। थोड़ा आगे जाते, ये चेक करो गाइस, तो चलो गए यहाँ से निकलते टूवर्ड्स सिलगुड़ी की तरफ। और ये चेक कर गए यहाँ जाते जाते एक बार देख लो इसका यहाँ से व्यू। चलो यहाँ से निकलते फिर फटाफट सिलगुड़ी की तरफ। और मैंने खरीदा यहाँ पे कर्सिंग से खास्ता बिस्कुट घर के लिए। तो चलो यहाँ से निकलते आप, टाइम अपडेट 3:45, 4 बजने को है। और यहाँ का कुछ व्यू चेक करो भाई, इस तरह का पिकनिक टाइप का भी मना रहा है सब कोई। तो मेरा स्कूटी वहाँ पे है, अब निकलते सीधा सीधी सिलगुड़ी की तरफ। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, साथों साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं वीडियो को स्विच ऑफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब जगह आप बहुत बार देख चुके हो मेरे वीडियो पे, तो वही सब दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मौसम साफ था इसलिए मैं 10 मिनट के लिए रुक गया, क्योंकि इतना साफ मौसम कभी यहाँ मतलब मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादातर कोहरा ही रहता है। तो आज जब रिटर्न हुआ तो मौसम साफ था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर किया। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलो गाइस, मैं वीडियो को स्विच ऑफ करने जा रहा हूँ इसी जगह से। तो मिलते हैं आप लोग से एक और नया ब्लॉग पे, तब तक के लिए बने रहिए और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। दिस इज विक्की साइनिंग आउट, बाय बाय।